नमस्कार दोस्तों, जोरदार स्वागत है आपका एसजी कोचिंग क्लास में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए ऐसे 10 क्वेश्चन जो कि 14 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं दे पाए 10 में से 2 का जवाब। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना किसने की? दो विकल्प हैं, दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद चटर्जी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बंकिम चंद चटर्जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दो विकल्प दिए गए हैं, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ रहा है आपके, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दो विकल्प हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, सोहन सिंह भागना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सोहन सिंह भागना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दो विकल्प हैं, ए है रॉबर्ट क्लाइव, अगला है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जापान की संसद को क्या कहते हैं? विकल्प हैं डायट और डायल। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, डायट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन है, विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर? एसएससी में ये 2002 में पूछा गया है। दो विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, दमिश्क। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थाईलैंड की मुद्रा है? एसएससी में 2008 में आया है। दो विकल्प हैं, येन और बट। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? एसएससी में 2009 में पूछा भी गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कराची। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, वाटरलू कहाँ स्थित है? 2004 में एसएससी परीक्षा में पूछा गया। आपको जिस भी क्वेश्चन के जवाब पता हो पहले से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके दो विकल्प आपके सामने दिए गए हुए हैं, इसका जो आंसर है, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको पता हो। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है, वो है ब्रिटेन और